नमस्कार, मैं हूं संजय गौड़ और आप देख रहे हैं पुलिस पंचायत की विशेष। फरियादी के पास हाई कोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी है, पर प्रशासन नहीं सुन रहा है। मामला डिकेन वार्ड नंबर 11 का शासकीय भूमि का है। अच्छा, और मैं जावत कोर्ट से लगाकर हाई कोर्ट तक के आदेश इनको दे चुका हूँ। शासकीय भूमि ना तो ये कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। तो सुना आपने नीमच जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की इस दास्तान को। यह भूमाफियाओं से शासकीय भूमि ही नहीं बचा पा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सब दृश्य और व्यक्ति खुद बयां कर रहा है। यह व्यक्ति गांधी जी के आदर्श का पालन कर रहा है, ना कि गांधी छाप के आदर्शों का पालन। कड़ाके की ठंड में 10 डिग्री तापमान में कलेक्टर परिसर में बाहर परिवार के साथ सो रहा है। तो इस दृश्य को देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी किस तरह से आपके प्रशासन के अधिकारी ही आपके और हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और एक परिवार कड़ाके की ठंड में 10 डिग्री में कलेक्टर पार परिसर में सोया हुआ है। शर्म आती है इसी कार्य प्रणाली पर। क्या यह गांधी छाप का खेल है या फिर किसी राजनीति के दबाव का, समझ नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं भूमाफियाओं पर नीमच जिले में प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है। प्रशासन यूँ तो अपने समय समय पर लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन अब तो इन्होंने हद कर दी है कि खुलेआम भूमाफियाओं को इनका संरक्षण मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी चर्चाएं पूरे शहर में हो रही है, नहीं सुधरेगी शायद इस शहर की कार्यप्रणाली और जिले के अधिकारियों की कार्यप्रणाली। इनको तो ठंड से बचने के लिए आग जला लेते हैं, लेकिन बाहर सोया हुआ ये व्यक्ति क्या करे जो एक इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है और प्रशासन की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में सो रहा है। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गौड़ की विशेष।